फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और मैं आज भरपूर नींद लिया, बहुत अच्छी नींद लिया। और पीहू जो है नन्हे के साथ मस्ती कर रही थी और मैं उल्टू सो गई और कुछ 5:30 बज गए मावशी का वेट करते करते। आज मावशी ने मुझे धोखा दिया। हमारे पास कुछ ना कुछ टॉपिक हो ही जाते एक्चुअली मौसी 10 बजे आई थी और सिर्फ उन्होंने कपड़े धो के गई और बोली कि मैं पक्का आऊँगी 12 बजे, मुझे कहीं बाहर जाना है। और मैं वेट कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, अब आएंगे, बट आए नहीं। तो आपको पता ही है, अगर हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब 5:30 बज गए, मुझे नहीं लगता अब वो आएंगे। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे ही करना पड़ेगा। और सो जस्ट बहुत सारा बर्तन है और देख के टेंशन आता है। तो ये देख सकते हो आप, पूरे पूरे ऐसे बर्तन पड़े हैं। तो अभी जस्ट क्लीन करूँगी मैं इसे। और पीहू जस्ट अभी सोई है और आप देख सकते हो मेरे जो कपड़े हैं, मैंने पहन के रखा था, मुझे कुछ सूट करना था, बट मौसी नहीं आई तो फिर मैं भी सो गई सूट करने के। पहना मैंने बट सो गई। मैंने सोचा था एक मैंने मेनिस्ट्रियल कप कप नहीं है वो है देखो मैं भूल भी गई। सोने का यही प्रॉब्लम है यार, दोपहर को सोना नहीं चाहिए। हाँ, टैम्पॉन, सॉरी फॉर दैट, टैम्पॉन मैंने यूज़ किया है और उसका वीडियो बनाना है मुझे। बहुत अच्छा है या नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। और बट नहीं बना पाई मैं, सो वो जल्दी ही बनाऊँगी। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इज़ अ वेरी बोल्ड टॉपिक एंड ओनली फॉर द वुमेन, मैन ना देखे इसे। एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा है ये, एंड ट्रूथ बताऊंगी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा बोले हैं, बट सो जस्ट मैं अपने बर्तन क्लीन कर लेती हूँ और पीहू जब तक उठेगी थोड़ा सा पीहू के लिए कुछ नाश्ता बना दूंगी। एंड चलिए मेरे साथ, बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और मैंने बताया था ना आपको, बाल में दिखाऊंगी, देखो मैं तो सो गई थी यार सच में। और ये बाल देखिए मेरी कितनी स्मूथ लग रही है, ट्रस्ट मी। जो दही होता है ना, दही में, अब मैं आपको लिख के बताऊंगी क्या होता है। एक्चुअली मैं मुंह भी नहीं धोई हूँ और कैमरे के सामने मैं आ गई। बट इतना बोल सकती हूँ कि मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं और बनाना लगाने से भी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। जो मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में बताई थी ना, मैंने बनाना हनी लगाया था, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं बाल आज मेरे। और बनाना लगाने से एक्चुअली फैक्ट बताऊँ, थोड़े से ड्राई लगते हैं आपके बाल, लेकिन बहुत अच्छा फील होता है। बट थोड़े देर के लिए ड्राई लगते हैं, बट आपको अच्छा सा सीरम लगाना चाहिए उसके बाद। बट इसमें सीरम की भी ज़रूरत नहीं, दही में देख सकते हो आप मेरे बाल कितने शाइनिंग कर रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी विथ माई हेयर। सो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। Then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go harder, harder.
hell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my darling. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time starts out, a king without his crown. Now I'm breaking, you're faking, girl. He never made a sound. जैसे आपको पता है कि मैं जिम जा रही हूँ, तो यहाँ अब मैंने ग्रीन टी भी लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ये ग्रीन टी है टाइफू क्लिंजिंग ऑर्गेनिक रूट रेमेडी, जिसमें है टर्मेरिक एंड गिनसेंग जिंजर, मुझे नहीं पता ये क्या है, टर्मेरिक एंड जिंजर आई एम नोइंग, बट थायराइड वालों के लिए ये जो जिंजर है और टर्मरिक बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया। एक्चुअली मैंने मॉल से ही परचेज किया है, तो जब मैंने उन्हें कहा मुझे थायराइड है, तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया और कहा इसका बेस्ट रिज़ल्ट है मैम, अगर आप इसके 1 मंथ तक कंज्यूम करती हो तो आपको इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपका थायराइड भी क्योर होगा। तो मैंने लिया इसे फ्रेंड, लेट्स सी ये कैसा रिजल्ट करता है, या नहीं तो मैं आगे आने वाले वीडियो में भी इसका शेयर करूँगी कि ये मुझे बेनिफिट हुआ कि नहीं। तो इसे मुझे अभी जस्ट 2 दिन ही हुए लेके, बट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मैं इवनिंग टाइम में लेती हूँ, अब मैं चाय स्किप करती हूँ इवनिंग का, मॉर्निंग में लेती हूँ। पहले तो मैं चाय पीती भी नहीं थी, बट जब से घर में हूँ तब से मैं चाय पीने लगी हूँ। यहाँ पर नाइट टाइम लिया है स्लिम टी एंड पेपरमिंट एंड द कैमोमाइल, कैमरे में कैप्चर नहीं होता है, कैमोमाइल। तो यहाँ पे लिखा है रूट रेमेडी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 100% ऑर्गेनिक इन्ग्रीडियंट, नेमली द जिनसेंग टू एनिवेट अप एंड द जिंजर टू बूस्ट इम्यून, टर्मरिक टू सपोर्ट बॉडी एंड सिनामन सबको पता है जो नेचुरल सोर्स ऑफ मिनरल्स है, कैफिन फ्री हर्बल ट्री है, पेयर्ड एंड बैलेंस by our master blender of our boost immunity। so just इसे इस तरह से packaging में आता है ये, इसकी packaging बहुत अच्छी है, बहुत amazing है। तो बस मेरा पानी boil हो गया है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा ही boil हो गया है। बस इसमें आपको 1 कप डाल देना है और इस तरह का टी बैग है ये, और इसे डाल देना है। इसे बस ज़्यादा नहीं, 10 सेकेंड तक ही हो जाता है अच्छी तरह से। इसे थोड़ा डीप करके रखना है आपको थोड़ी देर तक, और फिर सारे जो फ्लेवर हैं इसमें, कह सकते हैं कि इसकी जो ग्रीन टी की जो खासियत है वो सब इसमें आ जाती है। और बस मैं इसे लूँगी अभी थोड़ी देर पे। भी है सो गई है, और मेरे जो थोड़े से बर्तन हैं मैंने आप लोग वो शेयर किए हैं, और थोड़ा सा मैंने घसा है। अभी तक मैंने ऐसे नो वीडियो नहीं शूट किया था, और आज मैंने वो भी कर दिया। सो अब बस थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे अपने लिए थोड़ा सा, तो पीहू जब तक सो रही है तब तक आज मैं सोच रही हूँ अपना डिनर की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ।
और मैं ले रही हूँ आप लोगों के साथ ग्रीन टी। तो ये ग्रीन टी मैंने इसलिए शेयर किया फ्रेंड्स क्योंकि जो मैंने इसे 2 दिन से ले रही हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसीलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और जैसे इसमें टर्मेरिक है और लेमन है, अगर आप थायराइड आपको है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, लगता नहीं, अब तो 70-80% जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। किसी को हाइपर थायराइड, किसी को हाइपर थायराइड, और मुझे हाइपो है एक्चुअली। और ये मेरा फर्स्ट बेबी के टाइम मुझे हुआ था, और अब मुझे करीबन इसके 4 साल हो गए थायराइड है, बट मेरे वेट में ज़्यादा गेन भी नहीं होने देती हूँ, बट कम भी बहुत जल्दी नहीं होता है, बट मैं बढ़ाने भी नहीं देती हूँ, बहुत सारे मैं प्रिकॉशन करती रहती हूँ, बट अभी तक मैंने उस तरह से नहीं किया है, बहुत हैवी डाइट एंड ऑल, बट करूँगी जल्दी, आप लोगों को शेयर करूँगी। मैं एक और रिसर्च करने वाली हूँ कह सकते हो मेरे ऊपर, बट हर्बल है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं। मैं भी बहुत सोच सोच के तो डिले करते गई, बट अब टाइम आ गया है उसे करने का, तो मैं सोच रही हूँ उसे ज्वाइन करूँ, उसको अच्छी तरह से समझूँ, एंड फिर उसके बाद आप लोगों को शेयर करूँ कि वो एग्जैक्टली है क्या और वर्क करता है या नहीं। पहले मैं खुद पे ट्राई करूँगी, बाद में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ और नॉट। ऑब्वियसली यार, अब रिस्क लेना पड़ेगा ना आप लोगों के लिए, सो क्यों लेना पड़ेगा ना, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो यार, और बदले में हमें भी तो कुछ देना है आपको। सो आप हमारी वीडियो वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, आप लोगों को पसंद आ रहा है, इज़ वेरी 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 गुड थिंग्स फॉर मी। एंड आ रहा है बिंदु जी का, दीदी का मेरे, और यूट्यूब से रिलेटेड हमारे डिस्कशन होते हैं अब तो पूरे के पूरे, तो मैं इंजॉय करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर माय के चैनल बाद। फ्रेंड्स, और अब कुछ बज रहे हैं 7:30, और पीहू भी मेरी जा चुकी है और अन्य ट्यूशन से आ गई है, और आज सिंपल कुछ नहीं बनाने वाली हूँ मैं। आज जो एक्चुअली सुबह जो मॉर्निंग में बने थे भाजी, आपने देखा होगा कटहल की भाजी मैंने बनाया था, यम्मी बना था, मैंने सुबह खाया बट बहुत हैवी हो गया, इसलिए मैंने दोपहर में नहीं खाया, तो बहुत सारे बज गए हैं, एटलीस्ट मैं कितना खाती हूँ। और रोटी बच गए हैं, ये मैंने रोटी बच गए हैं, तो मैं रोटी भी नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ आज सिंपल डिनर होने वाला है, दाल एंड चावल। दाल हाँ, मैं कुछ चेंज करने वाली हूँ, आज दाल मैं बनाने वाली हूँ, ये है मटकी की दाल, और ये मुझे बताया था, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था कि मटकी का दाल भी होता है, सीरियसली। सो ये मुझे बताया था मेरी मिस ने, मीनाक्षी मिस, तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी मिस, और मीनाक्षी मिस हमेशा बना के लाती थी तो मैं पूरे दाल उनके चख जाती थी, और वो इसमें तड़का मारना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, तो ये तड़के विदाउट तड़का ये बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। सो मैं बहुत मिस कर रही हूँ यार सब मिस के खाने, सीरियसली, कल्पना मिस, मीनाक्षी मिस, मोकल मिस, सविता मिस, अंगिता मिस, एंड नंदिता की बिरयानी, एंड मीनाक्षी मिस की करेले की भाजी, और कल्पना मिस की कल्पना मिस की ये चावल फ्राई, एंड जो बहुत सारी रेसिपी हम लोग खाते थे, एंड मोकल मिस का तो सारी की सारी भाजी है, एक कोई तो हम बोल ही नहीं सकते, उनके हाथ में तो जादू ही है, ऐसे तो सब मिस के हाथ में जादू है, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते थे, और बहुत मिस कर रही हूँ, और वही सब खाना जो है मैंने जो सीखा है आप लोगों से ही, वही सब मैं अप्लाई करती हूँ यहाँ बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम जब खाना खाने बैठे थे ना, खाना खाने की तारीफ करते करते हम रेसिपी भी पूछ लेते थे, और हम बनाते भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते थे, है ना मिस, बनाते थे ना, और कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मुझे वैसे खाना बनाना बहुत 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 अच्छा लगता है, बट ये बात अलग है कि मैं खाना बनाते हुए बहुत मैसी करती हूँ किचन, बहुत ज़्यादा, तो ये मेरी बहुत बैड हैबिट है, बट मैं इम्प्रूव कर रही हूँ अभी, और अदरवाइज मेरा किचन आप देखते थे ना, बहुत मैसी दिखता था, मुझे खाना बनाना पसंद है, खाना पसंद है, लेकिन ऐसा साफ़ सफाई इस तरह से करना नहीं पसंद है, और ये मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कैसी हूँ। तो चलिए बनाती हूँ मैं ये, और तड़का देने के लिए सिंपल बनाऊँगी तड़का, जैसे हमें कांदा एंड टमाटर एंड मिर्च एंड धनिया ये सब डाल के अच्छी तरह से हमें बनाना है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओ देखो मेरा सोना उठ गया, क्या खिलाता है ये, आइसक्रीम है, आइसक्रीम बाबू का आइसक्रीम है, मैं पीहू को ना उल्लू बनाती हूँ, अनन्या उल्लू बनाना है अनन्या, ये अम्ब्रेला का आइसक्रीम बनाया,
पीहू ना हमेशा आइसक्रीम आइसक्रीम मांगती है, तो पीहू को ऐसे आइसक्रीम लेके आते चॉकलेट समटाइम देती हूँ मैम, तो इस तरह से पीहू खा लेती है और बोलती है आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, तो मम्मा भी खुश पीहू भी खुश है ना पीहू। उल्लू बनाया। बाय बोले सबको, बाय बोलो, दूध पीने जाता है, खाना खाने जाता है मेरे बच्चा, बाय बाय। बर्तन धुल लिए हैं, सिर्फ मुझे लगाना बाकी है, और मैंने किचन एरिया भी कुछ इस तरह से साफ कर लिया है, और यहाँ पे बन रहे हैं मेरे चावल और दाल मैं बनाऊँगी, यहाँ पे तड़का डाल दूँगी। सो फ्रेंड्स, दाल तड़का देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अनियन एंड गार्लिक चिली टोमेटो क्यूमिन सीड एंड ये करी लीव्स, और जैसे हम नॉर्मली तड़का देते हैं उसी तरह से दूँगी तड़का। एंड मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी आज घी एंड थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी, क्योंकि पूरा घी अगर यूज़ की तो वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी घी एंड थोड़ा सा ऑयल। फ्रेंड्स एज यूजुअल आज जो है मेरी मोबाइल पूरी तरह से हैंग हो गई, इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।